हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर जेसी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, पेपर फर्स्ट एंड पेपर नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अब एडमिनिस्ट्री से संबंधित है। ओके, सो आपको क्वेश्चन शो करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर न्यू पैटर्न पे था, कितने क्वेश्चन करने थे, टाइम कितना था, ये चेंज हुआ है। आगे कैसा पैटर्न रहेगा आपको टाइम के एग्ज़ाम से पहले आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। सो मेन मकसद इस वीडियो का है कि आपको क्वेश्चन शो करना, जिसके बेस पे आप अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। सो यहाँ से सेक्शन ए स्टार्ट होता है। ओके, ये सब आप रीड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट होता है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा, तो अगर आप स्किप करेंगे तो भूल जाएंगे। तो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे IUPAC नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप जरूर कंप्लीट रखिएगा। डजेंट मैटर शॉर्ट में आता है, किस में आता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड डिफरेंटिएट रोल ऑफ हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका फिगर भी ड्रा करने को आता है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ तो कहना भूल ही गया, जैसा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करें, सपोर्ट करें। कहना यह है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सिलिकॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेक्शन बी, जैसा कि सेक्शन बी अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्शन बी में जो भी जितने भी मार्क्स के जो भी है, ये हमारा काम नहीं है पढ़ने का, इससे कोई मैटर नहीं, ठीक। बायो सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पर इसमें क्वेश्चन पूछने का तो मतलब इनका लहजा चेंज रहता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड LS कपलिंग, मतलब याद ही कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही आ जाता है, ठीक है। मैंने टाइम प्रीवियस ईयर पूछा गया है। आप अदर सब्जेक्ट की PDF देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरे ये भी इंपॉर्टेंट ही है। और डिस्कस पियर्सन HSAB कॉन्सेप्ट, भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो आगे देखते हैं। ये कम जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, ये मैंने अनसॉल्व चेक किया है, ये बहुत सारे और टाइम पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि आप भी अनसॉल्व चेक कर सकते हैं। वैलेंस बैंड थ्योरी भी आता है, लिमिटेशन आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक बिहेवियर डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मतलब एकदम रट के जाना, ओरिजिनल एनर्जी डायग्राम, वो भी इसका इसी का। एंड ये इसमें सिलिकन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मेटल कार्बोनिल एंड एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इन बायोसिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस बेस पे कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लीजिए, किसी भी साल का, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पहुँच जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो, और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।